पाकिस्तान की जो सियासी पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, और अगर हम ये कहें कि पोस्ट 9 मई या 9 मई के बाद का जो मंजरनामा है वो उससे पहले से यकसर मुख्तलिफ है, क्या ये मुख्तलिफ रहेगा? उसमें एक टूट फूट एक सियासी जमात की जो कि पिछले इंतखाबात की सबसे बड़ी सियासी जमात थी, उसमें टूट फूट, उसका मलबा जो है अब उसको संभालने की बात हो रही है, वो कुछ जमातों के पास जा रहा है, कुछ जमातें उनको ले रही हैं, कुछ नहीं ले रही हैं, जो तहरीक इंसाफ से मुंसलिक लोग थे, तो एक तहरीक इंसाफ बहसीत जमात जो है उसका खात्मा मुमकिन है, और अगर है तो ये खला एक पाकिस्तान की सियासत में पुर कौन करेगा? हो सकता है कि ये खला पुर हो, और पोस्ट 9 मई जो है वो चीज़ें क्या रुख इख्तियार कर सकती हैं, ये बहुत अहम होगा देखना, क्योंकि इस मौजू के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के अंदर और तरह से जो है वो बात की जा रही है। इसकी एक मिसाल ये भी है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो इस वक्त तश्कील पा रहे हैं, मसलन जहांगीर तरीन साहब अपनी जगह पर सरगर्म हैं, और हाशिम डोगर साहब ने अब डेमोक्रेट्स के नाम से या जमहूरी पार्टी के नाम से उन्होंने एक पार्टी की बुनियाद रखने का ऐलान किया है, जिसमें मुराद राज साहब भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा का जो तहरीक इंसाफ का चैप्टर है वो उसके हवाले से भी खबरें मुख्तलिफ आ रही हैं, लेकिन अहम सवाल वही है कि क्या होगा ये इस पूरी सियासी जमात का, और बाकी सियासी जमातों के लिए भी क्या सवालात होंगे या नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन के हवाले से एक बयान दिया है, उस बयान को जिस तरह से लिया जा रहा है या जो भी है, लेकिन समझ में यही आ रहा है कि मईशत जो है उसको उन्होंने इंतखाबात के साथ जोड़ा है कि मईशत ठीक होगी तो फिर उसके बाद जो है वो बात इस पर भी की जा सकती है, तो क्या इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे कि नहीं? मैं सुनवाई देती हूँ आपको कि मौलाना फजल रहमान साहब से जब ये सवाल हुआ ताकि कोई भाव न रहे तो उन्होंने क्या जवाब दिया, और वो PDM के सरबराह हैं, और उन्होंने कहा भी कि मैं PDM के सरबराह के तौर पर यह बात करूँ, वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिएगा। जब आप GHQ पे हमला करेंगे और कमांडर के घर पे जाएंगे, क़िला वाले हिसार पे जाएंगे, तो फिर आर्मी एक्ट हरकत में आएगा, वो भी एक एक्ट है और उसका भी कानून भी एक हैसियत है, कोई ऐसा नहीं है, और फिर उसके खिलाफ अपील भी हो सकती है। अगर कोर्ट ये समझता है कि उसको पाबंदी हो जानी चाहिए तो खस कम जहाँ पाक। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिस के पेड़ चढ़ा दें, या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात में खड़ा करके चलाएं। मैंने यही कहा कि इस पर मुशावरत हो सकती है, गुफ्तगू की जा सकती है, जो मुल्क के लिए मुफीद होगा। नए हंगामे की भेंट चढ़ा दें या कि पहले मुल्क को खड़ा किया जाए, इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है इंतखाबात अगर होते हैं तो उसके बाद कौन तस्लीम करेगा कौन तस्लीम नहीं करेगा, ये एक बहुत अहम सवाल है जिसकी तरफ निशानदही मौलाना ने की है, लेकिन क्या इसका मतलब ये भी है कि इंतखाबात तक जो हालात हैं अगर वो ठीक हुए मुनासिब हुए तो इंतखाबात वक्त पर होंगे, अदरवाइज़ मईशत जो है वो पहला एजेंडा बन सकती है, क्या निगरान सेटअप बनेगा, निगरान सेटअप कितना चलेगा, कौन चलाए क्या बनाएगा, ये बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके ऊपर यास्मीन राशिद साहिबा की बरियत हुई है, और ये इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के हवाले से जो फैसला सामने आया है उसमें उनकी बरियत हुई है 9 मई के वाकयात के अंदर, जो इसके ऊपर जो रिपोर्ट हुआ है और ख़ास करके BBC उर्दू ने बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इस पर की, उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि पुलिस ज़राए जो हैं उन्होंने 9 मई के दर्ज मुकदमे में यास्मीन राशिद को नामजद ही नहीं किया था, और इसके साथ साथ नाकिस तफ्तीश जो थी यानी किसी दूसरे मुलजिम की जो बयान था शरीक मुलजिम का उसकी बुनियाद के ऊपर उनको जो है वो नामजद किया गया था, तो गवाही की बुनियाद पर, तो क्या ये इस्तगासा की कमज़ोरी है जिसकी बुनियाद पर ये बरियत हुई है, या इसको कहीं आगे जाके कहीं आर्मी एक्ट के तहत ना इसको बदला जाए, इसके ऊपर भी बहुत से सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। अमरीका के अंदर तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो सरगर्म हैं, और इस हवाले से बहुत अहम इत्तलात हैं, आज अनवर इकबाल साहब की डॉन अखबार में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम को वीज़ा ना देने पर पाबंदी लगाए जाने का, यानी पाकिस्तानी हुकाम की पाबंदी और वीज़ा ना देने के ऊपर जो है वो उसका मुतालबा किया जा रहा है, और करारदाद के लिए तकरीबन 70 से ज़ायद अमरीकी कांग्रेस के जो अराकीन हैं उन्होंने पटिशन साइन कर दी है, और अब वजारत खारजा को जो भिजवा दी गई है, ये भी उन्होंने शुबा जाहिर किया है कि इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ सकता है, इसके क्या इम्कानात हैं, इन सारे मौजूदात पे हमने बात करनी है।